तो क्या डिमांड है इसकी? दीदी भाई दान, इसकी डिमांड है जी 7 लाख रुपए। क्या 60 लाख? अरे आपको पैसे दे देना, पहले आए चाय पिए थोड़ी। आए चाय पिलाता हूँ आपको, चलो आओ सारे। हाँ हाँ भाई, तलो ताई पीते हैं, तलो आ दो। हेलो एवरीवन, दिस इज अफाक गेमिंग हब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GTA 5। सो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके रख लो, क्योंकि इस पर ऐसे ही जबरदस्त जबरदस्त वीडियोस आती रहेंगी। और यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करो जल्दी से। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो यार चलें। अरे यार, मूसा की कॉल आई थी कि मैंने एक दो गाड़ियां देखी हैं, तो चलते हैं हम दोनों तो देख आते हैं। मैंने कहा चलो फिर मैं आ जाता हूँ तो दोनों चलेंगे फिर। अरे धूप बड़ी तेज़ है यार, आज भी बादल तो आए हुए हैं लेकिन धूप फिर भी नहीं जा रही। कल परसों की बारिश बताई हुई है, हो जाए तो अच्छा होगा, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, नहीं तो बहुत गर्मी हुई हुई है। चलो यार गाड़ी लेके निकलते हैं इससे पहले कि वो फिर से कॉल करे। यही लेके जाऊंगा क्योंकि और गाड़ियां तो फार्म हाउस खड़ी हुई हैं सारी। चलो पेट्रोल, पेट्रोल है अभी काफ़ी है इसमें। हाँ पेट्रोल काफ़ी है। चलो भाई, और जिमी तो अभी थोड़ी देर पहले गया है, यूनिवर्सिटी गया है। और कह रहा था कोई फेस्टिवल है, फूड फेस्टिवल है कोई, तो इसलिए आज एक ही क्लास होगी तो जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन फिर उसका वेट करूं और 2 घंटे उसने कहा था कि लगेंगे, तो फिर लेट हो जाएगा यार इस तरह। वो भी परेशान हो जाएगा कि भाई अभी तक आया नहीं है, और वो कॉल्स करता है फिर। तो इससे अच्छा है कि जिमी आ जाएगा तो फिर मिलने चला जाएगा, गाड़ी भी देख लेगा। अगर ले ली आज कोई अच्छी सी मिल गई ना, वो मूसा कह रहा है कि मैंने देखी हुई है एक दो, उसने OLX पे देखी है ना, तो उनसे बात हुई भी है, मिलने का कहा हुआ है। तो बस अब वहीं चलते हैं और मिलते हैं उनसे। और मैंने कहा है उसे कि भाई पैसे साथ ले आना, अगर बात होगी वहीं बस ख़त्म करेंगे बात, पैसे देंगे और गाड़ी उठाएंगे बस। यार मैं सोच रहा था ना, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो एक फैमिली ट्रिप हो जाए, हैं इसको मूसा को भी साथ ले जाएंगे। और ट्रेसी तो नहीं है, वो तो गई भी है अपने नाना के घर, वहीं होती है, बहुत टाइम हो गया उसका गई भी है, वहीं होती है बस। तो बस मूसा, मैं, अमेंडा और जिमी जाएंगे, यहीं कहीं इरादा बनाते हैं, देखेंगे प्लानिंग करते हैं ना कौन सी जगह जाएं। चलो यार इसे कॉल करता हूँ। चल भाई आ जा, मैं नीचे आ गया हूँ। अच्छा माइकल भाई, मैं आया 2 मिनट में आया बस। हाँ जल्दी कर हाँ बस आया 2 मिनट, 2 मिनट। यार। वैसे ये गाड़ी भी प्यारी है, ये मुझे मिस्टर डेविड ने गिफ्ट की थी। इससे पहले मेरे पास वो जीप है जो घर में खड़ी होती है, वह अक्सर चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, बस घर में ही होती है। अरे यार कहाँ रह गया ये, अभी तक आया नहीं है। अरे चलो आ गया है। मूसा यार जल्दी करना, बैठ। बस माइकल भाई, कपड़े बदल रहा था, थोड़े मैले हुए हुए थे तो अच्छा नहीं लगता ना। गाड़ी लेने जा रहे हैं, थोड़ा रोबदाब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और पैसे ले आया? हाँ जी माइकल भाई, मैं ले आया हूँ 12 लाख लेके आया हूँ। माइकल भाई 5-6 देखी हैं, अब उनमें से देखते हैं कौन सी पसंद आती है आपको। आपको पता है गाड़ियों का, मुझे तो नहीं पता, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ मैं तो गाड़ी। हाँ, मैं बता दूंगा। चल अब मुझे लोकेशन बताता साथ साथ ही, है ना, हो कहीं और निकल जाए। अच्छा, माइकल भाई ये जो सामने येलो वाली बिल्डिंग है ना, इसके साथ लेफ्ट हो जाना है आपने, जहाँ पे ये एंड हो रही है लेफ्ट हो के सीधा जाना है आपने बिल्कुल। अच्छा, रुक, रश बड़ा है यार, सीधा जाऊंगा अब यहाँ पे। हाँ हाँ माइकल भाई, सीधा जाएं अभी।
करीब करीब देखी है या बहुत ही दूर दूर देखी है? नहीं, माइकल भाई करीब करीब हैं, एक दो तो आपके घर के बिल्कुल बैक साइड पर हैं। अच्छा चल, यहाँ से बता कहाँ जाऊँ। लेफ्ट हो जाए माइकल भाई यहाँ से। अच्छा, सीधा जाऊँगा अब। नहीं, माइकल भाई यहाँ करीब ही है बस। माइकल भाई मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी है। कौन सी है, ग्रे वाली? जी, माइकल भाई यही है। अच्छा, रुक जाए, यहाँ साइड पे लगाने दे। अरे बस यहीं लगा देता हूँ, चल उतर। हाँ अच्छा माइकल भाई, तो उसको कॉल करना, आए दिखाए हमें गाड़ी। मैसेज किया है कि हम आ गए हैं, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। अच्छा सही, वैसे गाड़ी प्यारी है यार, हैं अलायरिम लगे हुए हैं मज़े की, फुल ज़बरदस्त गाड़ी है। अब देखते हैं कीमत क्या है इसकी। हाँ माइकल भाई, अरे आ गया वो, आ गया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी गाड़ी है? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरी गाड़ी है। अच्छा तो क्या डिमांड की है इसकी? अच्छा तो अल्लाह आपका भला करे, इसकी डिमांड है जी 12 लाख रुपए। अच्छा, 12 लाख। मॉडल कौन सा है ये? ये जी 2013 मॉडल है। अच्छा, चलो चेक करते हैं, एक राउंड मार आते हैं ना। हाँ जी, क्यों नहीं, चले चले। हाँ चल मूसा बैठ। हाँ माइकल भाई, बैठे बैठे आप। एसी काम करता है इसका? हाँ जी, करता है एसी काम। बड़ी ठंड हो जाती है जब ये ऑन होता है। अच्छा, वैसे चलने में तो स्मूथ है ये, अच्छी गाड़ी है। मूसा देख, तू भी बता, इंटीरियर चेक कर इसका, प्यारा है ना? हाँ माइकल भाई, और बाकी गाड़ी तो प्यारी है, लेकिन रेट ज्यादा बता रहा है ये। चल वो कर लेते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो गाड़ी कैसी लगी आपको? गाड़ी तो अच्छी है, कोई काम तो नहीं है इसमें, गाड़ी साफ सुथरी है, अच्छी है, लेकिन आप रेट ज़्यादा बता रहे हैं, थोड़ा मुनासिब करें तो बात बने। भाई जान, मैंने आपको बहुत मुनासिब रेट बताया है। चले थोड़ा बहुत तो गुंजाइश करें ना। आप कितना देंगे इस गाड़ी का, ये बताएं मुझे। मैं जी आपको इसका फुल एंड फाइनल 8 लाख दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अरे भाई जान, नहीं, ये बहुत कम बता रहे हो आप, थोड़ा सा तो ऊपर आओ। है मूसा क्या करें बता। माइकल भाई आप खुद ही डील करें, मुझे तो नहीं समझ इन गाड़ियों की कितने की होगी, ये अच्छी है कितने की। चले ना आपकी ना मेरी, बस पूरे 11 लाख दे दें आप, ठीक है? है चलें, फिर आपको हम सोच के बताते हैं, नंबर तो है हमारे पास आपका, तो हम कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है? चले ठीक है, ठीक है। चल मूसा चलें। हाँ माइकल भाई, चलें चलें। यार इससे मुश्किल है बात बने, ये बड़ी महंगी बता रहा है। क्यों माइकल भाई, गाड़ी नहीं पसंद आई? नहीं यार, गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन रेट बहुत बता रहा है ये, 12 लाख बहुत ज़्यादा बता रहा है इसके। अच्छा, मतलब महंगी दे रहा है ये। चल बता और कौन सी है, रास्ता बता मुझे यहाँ से। माइकल भाई गली से निकल के बाहर लेफ्ट हो जाएं। अच्छा, माइकल भाई 8 लाख तक ये सही थी? हाँ, 8 लाख तक मुनासिब थी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा माइकल भाई, चढ़ाई चढ़ के लेफ्ट हो जाना है। अच्छा, माइकल भाई आगे एक चौक आएगा, उसके साथ ही बिल्कुल लोकेशन बता रहा है। हाँ, ये सामने है तो। माइकल भाई चौक क्रॉस करते ही साथ ही घर है बिल्कुल। हाँ, चल देख लेते हैं। अरे भाई कोई है तो नहीं? नहीं भाई, ये है। हाँ जी माइकल भाई, यही गाड़ी है, बस यहाँ साइड पे लगा दें। अच्छा बस यहाँ सामने ही लगा देता हूँ, बस यहाँ, चल उतरा। हाँ माइकल भाई, माइकल भाई मैंने उसे मैसेज किया है, बस आ रहा है। ये सामने वाली गाड़ी है, हाँ जी माइकल भाई, यही गाड़ी है। चला देखें। हाँ माइकल भाई चलें। मूसा ये गाड़ी है बड़ी महंगी, तूने देख तो ली है। चले माइकल भाई, पूछ लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो ये आपकी गाड़ी है? यस ऑफ कोर्स ब्रो, इट्स माय कार। तो क्या डिमांड है इसकी? Only 20 lakh ब्रो। अच्छा, only 20 lakh, सही। यप ब्रो। अच्छा तो आपको उर्दू समझ तो आ रही है, तो इसका मतलब है कि बोलने भी आती होगी, तो आप उर्दू में क्यों नहीं बात कर रही? ओह, यू डोंट लाइक इंग्लिश? हाँ
नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम उर्दू में बात कर लेते हैं। अच्छा तो ये बताएं, गाड़ी आपके नाम है या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के नाम है? नो नो ब्रो, ये मेरे अपने नाम है। अच्छा, तो टेस्ट ड्राइव ले लें इसकी। हाँ, क्यों नहीं, चले चले। हाँ वैसे कलर तो प्यारा है इसका। चलें अंदर से भी चेक करता हूँ। यार भूसा अंदर से भी प्यारी है यार, है लेकिन कीमत ज़्यादा बता रहा है ये। ना माइकल भाई, इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास। चल चल चला के तो देखे ना पहले कि कैसी चलती है ये। अरे भाई स्मूथ है यार, और आवाज़ तो नहीं है इतनी इसकी गाड़ी की, बिल्कुल खामोश गाड़ी है। अच्छी है यार गाड़ी, फिर क्या करें माइकल भाई, देखते हैं देखते हैं। ये आप क्या आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे भी तो बताएं। नहीं, बस ये गाड़ी के बारे में बता रहा था इसको कि अच्छी गाड़ी है आपकी। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो फाइनल फाइनल कितने की देंगे आप? अरे, मैंने तो आपको फाइनल ही बताए हैं, आप बताएं आप कितना देंगे मुझे। बस इसके मैं आपको 16 लाख दे दूंगा फाइनल फाइनल बिल्कुल। अरे भाई, 18 लगे हुए थे, मैंने नहीं दी ये गाड़ी उसको, क्योंकि मैं इसको 20 से कम की नहीं बेचना चाहता। फिर तो मुश्किल है भाई जान आपके साथ हमारी डील बने, क्योंकि हमारा बजट ही 16 है, तो इसलिए मैंने आपको कहा फुल एंड फाइनल 16। अगर आप लेना चाहें तो बिस्मिल्लाह करें। फिर अरे नहीं, भाई आप बहुत कम बता रहे हो। हमारा बजट ही इतना है 16 लाख, बल्कि हमारा 15 लाख है, 1 लाख मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, 16 लाख ले लें, लेकिन 20 लाख बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी का। चले फिर, आपकी मर्जी है, मैंने तो 20 से कम की नहीं देनी चले है। ठीक है, चल भूसा चले। हाँ माइकल भाई, चले चले, ये महंगी बहुत बता रहा है, 20 लाख बहुत ज्यादा है। हाँ ना यार बहुत ज़्यादा बता रहा है। चल छोड़ यार, जो दूसरी देखी है वो बता, करीब ही है? हाँ माइकल भाई, यहीं करीब है, बस आपको मैं रास्ता बता दूंगा, आप चलें। अच्छा सही है, चल बता। जाने दे माइकल भाई, आराम आराम से जाने दे, जाने दे जाने दे। अरे बस ओए माइकल भाई, अभी लग जाती। अरे बस माइकल भाई, मार दी गाड़ी। हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ। चल बता रास्ता, यहाँ से कहाँ जाऊँ? माइकल भाई, अभी तो जिस रास्ते से आए हैं उसी पे जाते जाए ना, मैं बताता हूँ आपको आगे। अच्छा चल सही। माइकल भाई, यहाँ से उतर के लेफ्ट हो जाना है। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँ? जी, माइकल भाई यहाँ से लेफ्ट। अब सीधा जाऊँ? हाँ माइकल भाई, आप सीधा जाएं। अच्छा, यार मूसा तूने सारी गाड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी देखी हैं। हाँ लेकिन माइकल भाई, एक ही बार लूंगा ना, अच्छी चीज लूंगा। माइकल भाई, ये रोड सीधी जा रही है। अच्छा, हाँ तो बात हुई है, घर पर ही है, ये ना हो हम जाएं और वो घर पर ही ना हो। नहीं, माइकल भाई वो कह रहे हैं मैं घर पर हूँ, आप आ जाओ। कितना आगे है और? माइकल भाई बस थोड़ा सा और, बस बस माइकल भाई, ये साथ वाला घर है। अच्छा, ये वाला है यार, अंदर ले जाऊं या यहीं खड़ी कर दूं? यहाँ साइड पे लगा देता हूँ। चल उतर आ। अरे माइकल भाई, अंदर ले जाते ना, यहाँ फिर ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ अंदर लेके जानी पड़ेगी, लेकिन पहले तू कंफर्म तो कर ना यही घर है, ये नो हम गाड़ी बिना पूछे अंदर ले जाएं। नहीं, माइकल भाई यही घर है, कंफर्म है। अच्छा चल बैठ, अंदर ही खड़ी कर देता हूँ। हाँ ना माइकल भाई, यहीं साइड पर लगा दे, जगह बड़ी है अंदर। हाँ, जगह तो बड़ी है। चल तू मैसेज कर ना उसे, आए हमसे गाड़ी दिखाए हमें, और मैं यहीं साइड पे खड़ी कर देता हूँ। इसके पास तो दो गाड़ियाँ हैं, चल उतर आ, इधर ही खड़ी कर देते हैं। तूने कौन सी वाली देखी है? माइकल भाई, मैंने वो ब्लू वाली देखी है। हाँ चल चेक करते हैं, यहाँ देखें करीब से कैसी है ये। हाँ माइकल भाई, बस वो खुद आ जाए ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह खुद से देखना। यार मूसा इसका कलर कुछ अजीब सा है। चले माइकल भाई, देख लेते हैं ना अगर वारे में हुई। चले आ गया खुद बंदा। अस्सलाम वालेकुम, ये आपने ऐड लगाया था गाड़ी का? हाँ जी, ये मेरे पुत्र लाया सी। अच्छा तो आए ना चेक कराएं अंदर बाहर से गाड़ी हमें। हाँ, तुसी बेफिक्र हो के चेक करो गड्डी, ये चाबी लगी है अंदर, ते अंदरू ही चेक करो ते बाहरू ही चेक करो। अच्छा तो इसका क्या फाइनल रेट है आप?
क्या डिमांड कर रहे हैं? इसनी डिमांड जी 14 लाख रुपए है। 14 लाख रुपए? अच्छा हाँ, तो मूसा क्या कह रहा है? देखें यानी मुझे तो नहीं पसंद आई यार, इसका कलर कुछ अजीब सा है। हैं माइकल भाई, टेस्ट ड्राइव लेके चेक करें, अगर देखें चलने में अच्छी है तो कलर तो चेंज हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है माइकल भाई। हाँ हाँ भाई जान, तुसी गड्डी चेक करो, चलाओ ऐसा कि बहुत चंगी गड्डी है, स्मूथ चलनी है बड़े आराम नाल। हाँ हाँ पहले इंजन चेक करूँगी इसका। माइकल भाई साफ सुथरी है गाड़ी अंदर से तो। हाँ हाँ गाड़ी तो साफ है, अंदर से साफ रखी हुई है, लेकिन ये बाहर से रंग है ना? हाँ जी भाई जान, ऐसी पिछले महीने कराई है, सिर्फ बाहरों कराई है रंग, अंदरू जेन्युइन है बिल्कुल। हाँ हाँ दिख रहा है, वो डिग्गी देखता हूँ, डिग्गी भी स्पेस अच्छी है यार। यार कुछ पसंद नहीं आ रही यार मुझे तो, चल मूसा से बात करता हूँ। यार मूसा इधर आ यार, मुझे नहीं पसंद आ रही इसकी ये गाड़ी, मैं तो कहता हूँ चल दूसरी देखते हैं कहीं, क्योंकि बाहर से रंग है सारी और फिर भी ये इतने पैसे मांग रहे हैं, इसके बनते नहीं है इतने। तेरा मॉडल है ये गाड़ी, अगर पसंद है तो बता, नहीं तो फिर चलें। माइकल भाई एक राउंड मार आते हैं फिर देखते हैं, फैसला कर लेंगे हैं। चल सही है। हाँ नहीं नहीं यार कंफर्टेबल नहीं है। हैं मूसा यार ऐसी गाड़ी वैसे ये बहुत फजूल सी है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, आवाज़ तो अच्छी है। नहीं 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 मूसा, ये वो गाड़ी नहीं है जो हम ढूंढने निकले हैं, छोड़ इसको मैं तो कहता हूँ। चलिए ठीक है माइकल भाई, और भी हैं, एक दो और भी हैं, वो भी देख लेंगे, इसे वापस खड़ी कर दें भाई। हाँ ना क्यों ब्रावो, चंगी नहीं लगी? नहीं इसकी समझ नहीं लग रही, कुछ पसंद नहीं आ रही। चलो मर्जी है तुम्हारी। यार कोई और गाड़ी देखेंगे। अरे भाई ये किसकी गाड़ी है? ये भी लगता है इसी की है, पूछता हूँ जरा ये गाड़ी किसकी है, ये काली वाली? ए मेरे प्राऊ दी है, ते इसना मेरे ख्याल तू गाक लग गया है, ते लेकिन फिर भी मैं उसका कॉल कर देना है, ते आपे आके ना तुहाडे नाल गल करना है। खलो चुक ले। हाँ ओए कार आ, बंदे आन गड्डी तकन, मुका। हाँ मुका मुका, खलते अला ठीक है हाँ। तो क्या कह रहे हैं भाई जान? वो कह रहे हैं मैं 5 मिनट ही जाना बस। अच्छा तो ये उसके अपने नाम हो गए ना, चले अंदर चाबी लगी हुई है इसकी, तो चेक कर लेते हैं जरा। हाँ जी उसके अपने नाए ते है, तो तुसी बह के चेक करो अंदरू इंटीरियर चेक करो, और जो चीज़ें चेक करनी है करो, बेफिक्र हो के चेक करो। अच्छा कर लेते हैं कर लेते हैं। अच्छा तो ये रंग तो नहीं है अंदर बाहर से? नहीं नहीं भाई जान, ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गड्डी है, एक नंबर गड्डी। अच्छा अच्छा सही, चलो भाई आए ना तो बात कर लेते हैं उससे, हम डिमांड भी पूछ लेंगे। इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा यहीं साइड पे खड़े होके। हाँ जी भाई जान तुसी बेफिक्र होके इंतज़ार करो, इतने कल के वो आना पे बस 5 मिनट इच। यार वैसे घर की लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त जगह पर है, पीछे ये पता नहीं कैसा घर बना हुआ है छोटा सा, बाकी यार गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, पसंद तो आ गई है मुझे। और अब देखते हैं किसकी डिमांड ये क्या कर रहा है, पता चले ये ना हो कि भाई ये भी आसमानों को छू रहा हो। हैं गाड़ी है प्यारी और छोटी है ना, तो मूसा के लिए सही है, ये अकेला बंदा है, पेट्रोल भी इतना नहीं खर्च होगा इसका और भी अखराजात कम होंगे। पता नहीं किधर रह गया यार ये, ओ लगता है यही है। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, आपके भाई ने बताया कि गाड़ी आप सेल कर रहे हो, तो क्या डिमांड है इसकी? दीदी भाई दान इसकी डिमांड है जी 7 लाख रुपए। क्या 60 लाख? अरे यार इस गाड़ी में नहीं नहीं भाई 7 लाख। अच्छा अच्छा 7 लाख, चलो दिखाएं आप इसका
वैसे तो हमने अंदर से देख लिया है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट ड्राइव ले लेना, हम चेक करें भाई चलने में कैसी है। हाँ दीदी भाई दान आए आए मेले चाह चले चलो चलो थलो थलो चाले मेली गाड़ी में बैठो चबाच यहाँ से निकल जाएगी। लाइदान आप तय कर लो एक बार ट्राई कर लो निकल जाएगी अचानी चे। अच्छा, चलो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर निकल गई। निकल तो जानी चाहिए वैसे, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। हाँ निकल जाएगी, जगह तो है। चलो लग ना जाए, बस चलो अब निकल जाएगी आसानी से। चलो, अरे बड़ी जगह है यार। चलो चलो, हाँ चलने में तो यार अच्छी है। हाँ ना भाईदान मैंने आप तो ता है ना मेरी दाली ते दादी है इतनी अच्छी दाली है मैंनी लेकिन मुझे पैते ताई है तो इसलिए मैं इतने बेच लाऊं नहीं तो मैंने बेचना नहीं था इतो को भाई अच्छा तो किस लिए पैसे चाहिए आपको? मैंने दिम तोला है ना इधर कली भी तो उसके लिए मतीने लानी थी तो तोले पैसे ताम पाल हैं मुझ तो मैंने तोता के अभी दाली बेच लूंगा तो फिर तमा के ना तो फिर दूसरी गाली ले लूंगा अच्छी थी अच्छा, चलो यार गाड़ी में तो कोई काम नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। डन कराता हूँ, देखता हूँ अगर 5-6 तक दे दे तो अच्छी होगी। नहीं दे तो देगा, क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत है। दे देगा यार, आसानी से देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन देखते हैं हाँ तो भाईदान तलने में तैती है किस में कैसी है। तलने में भाईदान तलने में अच्छा, चलने में तो अच्छी है गाड़ी, ज़बरदस्त चल रही है। हाँ तो भाई दान तले साथ लात में नहीं ना भाई, थोड़ा कम करो, मेरे पास तो है 5.5 लाख, अगर हो जाए तो। अरे नहीं भाई दान मैंने आप तो पहले ही बहुत दाम बताए हैं सात लात में तो आजकल चौथी डाली भी नहीं आती हाँ तो मूसा बता फिर क्या करें, दे दें 7 लाख। हाँ माइकल भाई आप खुद ही देखें चलिए ऐसा करते हैं कि फुल एंड फाइनल 6 में डन करें, बस 6 बहुत है इसके। अले भाई चले ऐता तले थे आप मुझे दे दें सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख बस और गाली ले जाए ठीक है चले फिर डन करें, चले बिस्मिल्लाह करें। चल मूसा पैसे लेके आ गाड़ी से। अरे भाई जान, मुबारक हो, बहुत बहुत आपको, पैसे दे देना। पहले आए चाय पिए थोड़ी, आए चाय पिलाता हूँ आपको। चलो आओ सारे। हाँ हाँ भाई तलो ताय पीते हैं तलो आ दो हाँ तो भाई ताय तैती बनी है ये मेरी भाभी ने बनाई है बहुत अच्छी ताय बनाती हैं वो मुझे बली पसंद है उनती आतो ती ताय हाँ, चाय तो बड़ी जबरदस्त बनी है। हाँ माइकल भाई सच बात है हाँ हाँ तो भाई आपने दाली दल से युद्ध के लिए ली है हाँ, बिल्कुल, घर के इस्तेमाल में ही है, बस उसी के लिए ली है। अत्ता अत्ता तई तई हाँ तो भाईजान, पैसे पूरे थे? हाँ भाईदान पैते पूले हैं और ताजा ना डाली के डैशबोर्ड में पले हुए हैं तो जब भी अपने नाम तलानी हुई ना आपने तो आपने के पास तो मेरा नंबर है ना तो फिर उस पे तौल तलते मुझे बता देना तो मैं आपते ताज तला दूंगा ठीक है भाईदान ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत मेहरबानी। तो अब हम चलते हैं, पहले बहुत लेट हो गए हैं। हाँ माइकल भाई लेट हो रहे हैं चलते हैं अब चलो यार निकलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है, कब का निकला हुआ हूँ घर से। और जिमी भी नाराज़ हो गया होगा कि भाई मुझे लेकर नहीं गए, वो कब का आ गया होगा। चलो चल यार मूसा चले अब। तू ऐसा करके तू अपनी गाड़ी ले आ और मैं अपनी ले जाऊंगा, तो मुझे फॉलो कर, ठीक है? हाँ ठीक है माइकल भाई मैं अपनी ले आता हूँ आपको फॉलो करता आऊँगा ठीक है हाँ, सही है। चलें भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। तो हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं फिर। ठीक है भाईदान अल्लाह हाफिज चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चल भाई मूसा, मेरे पीछे पीछे लेकर आ गाड़ी और मेरे घर आ पहले, ठीक है? ठीक है माइकल भाई मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ
चलो यार निकले अब यहाँ से। ओए चल भाई फटाफट जाएं, मैंने वॉशरूम भी जाना है। बड़ी तेजी से आया वह, ये खुद आए या इसके साथ साथ चलूं? वैसे रास्ता तो इसको पता है, ये खुद ही आएगा, देख लूं ये ना हो ही ना पीछे। हैं आ तो रहा है, आ रहा है। चलो मैं अब जाऊं, जल्दी पहुंचूं यार। यार वैसे इसको गाड़ी अच्छी मिल गई है, मुनासिब रेट पे मिल गई है, 6.5 लाख। 6.5 लाख में कहाँ आजकल गाड़ी मिलती है। इसे तो चलो अच्छा है, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी मिल गई है, 4 डोर्स वाली ज़बरदस्त गाड़ी है। चलने में भी स्मूथ है, बिल्कुल आराम से चल रही थी, ना कोई काम है इसमें। और बैटरी अभी अभी लगी है, नई लगवाई है मेरे ख्याल से इन्होंने। हॉर्न, लाइट, सब कुछ वर्किंग में है, कोई काम नहीं है। और जेन्युइन गाड़ी, सबसे अच्छी बात, रंग नहीं हुई हुई, अपनी गाड़ी है इनके नाम पे। बस अब जब इसने नाम करानी होगी तो उसे कॉल करके ले आएगा, मंगवा लेगा, तो चले जाएंगे दोनों। यही नाम करवा लेगा ये, जब भी मूड बना इसका ना, बेचने का या फिर कोई और इसका हुआ सीन, तो अब खुद ही देखेगा। बस मेरा काम था ले कर देना, अब जो करना है इसने खुद ही करेगा अपनी गाड़ी के साथ। अब आ जाए जल्दी से यार, मुझे वॉशरूम जाना है। मुक्का कहाँ रह गया यार ये? चलो ये तो आ गया। हाँ भाई कैसी चल रही है गाड़ी? माइकल भाई ना ही पूछें, कसम से बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बड़ी आराम से आई है, ना कोई मसला किया है ना कुछ। हाँ यार गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त मिल गई है, साफ गाड़ी है बिल्कुल, देख ना कोई स्क्रैच है ना कुछ है, और जेन्युइन गाड़ी, और इतनी चली भी नहीं है। अच्छी गाड़ी मिल गई है यार तुझे, चल अल्लाह नसीब करे तुझे। और बाकी देख, अगर कोई काम शाम कराना हो मॉडिफिकेशन का तो करवा ली। और हाँ जिमी को साथ लेके जाई, वो नाराज़ हुआ है पहले से, उसने मुझे कहा था कि मुझे साथ लेके जाना, लेकिन मैं नहीं लेके हाँ गया। हाँ माइकल भाई ठीक है, आप आराम करें, मैं चलता हूँ, ठीक है। चल ठीक है। ओके माइकल भाई, चलो भाई निकलो अब यहाँ से, गाड़ी तो बड़ी बप्पू है, एसी चालू है इसका, ठंडी हुई भी है गाड़ी, सही है, अब आराम आराम से लेकर चलेंगे इससे पहले कि ठुक जाए। अब देखते हैं कल परसों तक मॉडिफिकेशन करवाऊंगा इसमें कुछ। माइकल भाई कह रहे हैं कि भाई जिमी को भी साथ लेकर जाओ, तो अब इसको भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, तो कल देखूंगा, कॉल करके बुलवा लूँगा, नहीं तो फिर खुद ही लेने आ जाऊँगा। चलो यार घर तो आ गया, अब बस इसका खड़ा करने का मसला होगा, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के बच्चे बड़े शरारती हैं, यहाँ जगह देखनी पड़ेगी इसके लिए, कहीं साइड पे लगानी पड़ेगी। यार मेरा तो कसम से दिल ही नहीं कर रहा गाड़ी को अकेला छोड़ने का, बड़ी प्यारी गाड़ी है यार, लेकिन रात को तो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, सुबह देखेंगे अब कि कहाँ इसका सेटअप बनाए। देखता हूँ कोई शटर वेटर लगा के ना, अच्छा सा ज़बरदस्त सा बनाऊँगा, अभी तो चलें, बड़ी थकान हो रही है, जाके सोता हूँ थोड़ी देर। पापा लगता है आ गए हैं, जाके देखूं जरा, इनसे पूछूं, मुझे लेकर ही नहीं गए, मैंने इन्हें कहा भी है मैं जल्दी आ जाऊंगा आज, लेकिन नहीं, वेट ही नहीं किया मेरा, अब जाके पूछूंगा आप कौन सी गाड़ी लेके आए और मुझे क्यों नहीं लेकर गए आज, कहाँ हैं ये बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। पापा पापा आप मुझे क्यों नहीं लेके गए? जिमी बेटा मैंने बात की है उससे, लेकिन वो कह रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं तुझे नहीं लेके जा सका, और तेरे भी 2 घंटे लगने थे कम से कम, तो इसलिए लेट हो रहा था उसे। उससे बात हो गई है, वो जब मॉडिफिकेशन के लिए गाड़ी लेके जाएगा ना तो तुझे साथ ले जाएगा, ठीक है? अरे पापा मैंने भी जाना था, मैंने भी देखना था कि कैसी गाड़ियां लेते हैं ये। उसे बता दे, पिक्चर सेंड कर देगा तुझे, मैसेज कर देना उसे, वो पिक्चर सेंड कर देगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा।